और अब बात दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के विरोध प्रदर्शन की। आज कृषि कानून की पहली सालगिरह है। आज ही के दिन संसद में इस कानून को पास किया गया था। अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए बड़ी तादाद में रात से ही पंजाब से लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी जगह जगह बैरिकेडिंग कर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के एक साल पूरा होने के दिन शिरोमणि अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस मनाने के रूप में फैसला किया और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचने के लिए कहा। आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर सुबह सुबह तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान आप देख सकते हैं, महिला ब्रिगेड भी यहां पर मौजूद है, महिला सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं। इसके आप आगे देखिए बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के बाद तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। इस चीज़ की परमिशन नहीं थी, पुलिस से हमने जो बात की उनका कहना था कि परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ अकाली कार्यकर्ताओं की यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। दिल्ली के तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और पूरी दिल्ली में जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। कहीं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कोई मार्च ना निकले। यहाँ पर जो मार्च बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ पर जब सभी कार्यकर्ता पहुँचेंगे तो वो एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे रकाबगंज से लेकर के पार्लियामेंट हाउस तक, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए और साथ ही साथ पुलिस लगातार जो नेता यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी संपर्क में उनसे बातचीत कर रही है। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपकी हमने ये रिपोर्ट देखी और उसमें साफ तौर पर आप दिखा रहे थे कि मल्टी लेवल बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर आप देख पा रहे हैं और कैसे वहां पर इस वक्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए इस वक्त मैं रकाबगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने मौजूद हूँ और आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता गया देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और पुलिस ने जो बैरिकेटिंग की है लेकिन अंदर वो आने से नहीं रोक रही थी। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नेहा सुखबीर सिंह बादल पहुँचे और उसके बाद जो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता आप देखिए झंडा लेकर के वो सभी उनके साथ एक तरीके से अंदर रकाबगंज के गुरुद्वारे के अंदर की तरफ जा रहे थे। और पुलिस से जो हमने बात की, जो सुरक्षा की बात है, पुलिस का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी अलग अलग रिलायबल सोर्सेस से, क्योंकि परमिशन मांगी नहीं गई थी, लेकिन उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस ने अपनी तरफ से, जो डीसीपी न्यू दिल्ली है उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर बना करके भेजा कि परमिशन नहीं है। और ये देखिए ये क्या आप लोगों ने ये क्या बना रखा है, ये मंगा मनाना है आप दिखा जी किसानी मुद्दे अलग अलग जगह से साइन किए जी 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 अच्छा ये किसानों की साइन जी ये सभी किसानों के साइन है जी किसी अच्छा जी, जी, तो आप देखिए कई सारे किसान अलग अलग इलाके के जो पंजाब के हैं उन लोगों ने इस पे साइन किया हुआ है। और क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोग, क्या संदेश देना? काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो जी, इन्होंने कानूनों को वापस लो खेती है, काले कानून रद्द करो, वापस लो कृषि कानून जो है। आज एक साल हुआ है और जब ब्लैक फ्राइडे मनाने की बात थी तो उसी के साथ ही दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई थी, लगातार बातचीत भी जारी है, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है लेकिन यहाँ आने से नहीं रोका गया। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है लेकिन आगे जाने की परमिशन नहीं है। नेहा अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अनीशा, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे मल्टी लेवल बैरिकेडिंग है और पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है, आप क्या देख पा रही हैं? देखिए नेहा, आपको मैं ये आप जो देख पा रही है मेरे विजुअल्स में, हम इस वक्त बिल्कुल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जो मेन गुरुद्वारे का एंट्रेंस गेट है उसके बाहर खड़े हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अजय ठाकुर आपको दिखा रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है। सब लोग यहाँ पर झंडे लेकर अपने हाथों में ब्लैक कलर के बैंड पहनकर यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि ये फार्म लॉज जो है इनको वापस लेना चाहिए। और अजय आपको मैं जरा बोलूंगी थोड़ा और बैरिकेडिंग भी दिखा देंगे। गुरुद्वारा रकाबगंज के बाहर चारों तरफ अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है, डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पर भी
और संसद मार्ग के जरफ जो रास्ता जा रहा है उस पर भी डबल बैरिकेडिंग है। कई पुलिस वाले और एंटी राइट पुलिस सबकी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकती हैं इतने सारे जो भीड़ जमा है वो पूरी तरह से अपना यहाँ पर खड़ी हुई है, डटी हुई है और वो कह रहे हैं कि काले कानून जो है, ये तीन फार्म लॉज जो है, इनको वापस लेना बहुत जरूरी है। एक साल से पूरे भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी शिरोमणि अकाली दल ने इसी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में इतने सारे लोग बुलाए हैं। सुखबीर सिंह बादल जो है वो अंदर रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर है फिलहाल, अभी पुलिस ने क्योंकि परमिशन इस रैली की नहीं दी है, अब आगे क्या किया जाना है ये अभी देखना बाकी है। ठीक है अनीशा, बने रही है हमारे साथ, हिमांशु भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, कई सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के कारण आज गुरुद्वारा रकाबगंज, आरएमएल हॉस्पिटल, जीपीओ, अशोका रोड और बाबा खड़क सिंह मार्ग से बचने को दिल्ली पुलिस ने हिदायत दी है। किसान आंदोलन की वजह से यहां ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। मैप के जरिए समझ लीजिए कि किन रास्तों को आपको अवॉइड करना है, इनसे नहीं गुजरना है, क्योंकि यहां पर आपको भारी ट्रैफिक और जाम से जूझना पड़ सकता है।